सुरू करायचं का? थोड़ा साइड पे। हाँ, शुड आई बिगिन सुरू करूँ का है? ओके, ईद व अक्षय तृतीयाच्या महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला माझी शुभेच्छा। आज माननीय गृहमंत्री यांनी कायदा व सुव्यवस्थाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली। महाराष्ट्र पोलीस दल कोणत्याही कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न हाताळण्यास सक्षम आहे, तसेच आमची पूर्ण तयारी आहे। सर्व पोलीस दल यांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सुस्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत। याआधी समाजकंटक व गुन्हेगार स्वरूपाच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे। सामाजिक एकोपा ठेवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अनेक बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत। SRPF व होमगार्ड मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण राज्यामध्ये तैनात करण्यात आलेले आहेत। कायद्याची अंमलबजावणी ही पोलिसांची जबाबदारी आहे। कोणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्यास प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। मी महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी राज्यामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखावी व पोलिसांना सहकार्य करावा। ईद और अक्षय तृतीया के इस दिन पे सबको मेरी शुभेच्छा। आज माननीय गृहमंत्री यानी इन्होंने आज बैठक ली और कायदा व सुव्यवस्था के बारे में उन्होंने आढ़ावा लिया। महाराष्ट्र पुलिस कोई भी कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न हटाने में सक्षम है और हमारी पूरी तैयारी है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौनती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम ज़रूर लेंगे। इसके पहले हमने समाजकंटक व गुनहगार जो हमारे समाजकंटक और गुनहगार लोग हैं उन पे बड़े लेवल पे हमने उन पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। सामाजिक एकोपा यानी कि कम्युनिटी में हमें जो सामंजस्य रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्थानिक लेवल पे लोकल लेवल पे बहुत सारी बैठकें ली हैं। SRPF और होमगार्ड बड़ी संख्या में पूरे स्टेट में हमने तैनात किए हैं। कायदे की अमलबजावनी जो है वो पुलिस का काम है और किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं महाराष्ट्र के संपूर्ण जनता से आह्वान करता हूं कि राज्य में शांतता और सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस का सहकार्य करें। सर, राज ठाकरे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न ज्या प्रमाणे रॅलीमध्ये बोलतात अशा लोकांवर कारवाई का करते? आज पोलीस आणखी किती वाट बघणार आहे? आपण कोणत्या भाषांच्याबद्दल बोलत आहे? और अच्छा, और औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पोलीस जे आहे ते भाषांच्या संदर्भात त्यांनी संपूर्ण त्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि ते त्या भाषांच्या अनुषंगाने आवश्यक जी कारवाई करायची आहे त्यासाठी ते सक्षम आहे आणि ते सक्षम आहे आणि कारवाई करते, जे काय कारवाई करायची आहे ते करते। ते सीपी औरंगाबाद अभ्यास करत आहे, सीपी औरंगाबाद अभ्यास करत आहे आणि त्या अनुषंगाने जे काही कारवाई करायची करण्यास ते एकदम सक्षम आहे आणि ते आवश्यक ती कारवाई करते। कोणीही जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही ते त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई आणि कडक कारवाई करू आणि जसं मी अगोदर सांगितलेलं आहे की आम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली आहे, लोकांना नोटिसेस पण इश्यू केलेले आहे आणि आम्ही आमचा फोर्स मोठ्या प्रमाणात डिप्लॉयड आहे। आमचे 87 SRPF कंपनीज आणि 30,000च्या वर होमगार्ड डिप्लॉयड आहे। सर्व युनिटना सूचना देण्यात आलेल्या आहे की कोणत्याही प्रकारे तुम्ही कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यास कोणालाही परवानगी, कोणालाही बिघडू देऊ नये। राज ठाकरे इन हिज स्पीच इन औरंगाबाद सेड व्हाटएवर हैपेंस हैज टू हैपन, दैट्स एज प्रोवोकेटिव एज इट कैन गेट, व्हाई नो एक्शन टिल नाउ? सीपी औरंगाबाद is looking into the matter and will take the necessary legal action. He is competent to take the action in the matter. मैं आपको जो बताया है कि जो भाषण के बारे में जो स्टडी और उसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो सीपी औरंगाबाद कर रहे हैं, वो मेरे तरफ से नहीं हो रहा है, वो सीपी औरंगाबाद कर रहे हैं और आवश्यक कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो भी इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करते। हमने बड़े पैमाने पर नोटिस दिए हैं, 15,000 के ऊपर लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है और 149 की नोटिस जो है 13,000 के ऊपर लोगों पे 149 की नोटिस हमने दी है। सर 3 तारीख से अल्टीमेटम दिला होता राज ठाकरे की, आज गोंड्यांबाबत पुढची भूमिका स्पष्ट करणार आहे, महाराष्ट्र पोलीस या सगळ्या गोष्टींकडे कसं पाहतात आणि काय कारवाई करतात? महाराष्ट्र पोलीस जसं मी सांगितलेलं आहे कोणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व आमचे स्टेप्स आम्ही घेतलेले आहे आणि कोणी बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्यात येईल। नाही, राज ठाकरेला नोटीस दिली, मला सीपी मुंबईला तुम्हाला विचारायला लागेल, माझ्याकडे माहिती नाही आहे। कसं राहणार मी तुम्हाला सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात SRP आणि होमगार्ड डिप्लॉयड आहे, आमचे सर्व लीव्ह कॅन्सल्ड आहे, सर्व अधिकारी कर्मचारी जे आहे आमचे रोडवर आहे, उपस्थित आहे। आज सकाळची ईद शांततेत पार पडलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आमची संपूर्ण तयारी आहे। कौन से इन्वेस्टिगेशन? हाँ, वो तलवारें में जो मिली है वो धुड़े में मिली है, उसके अनुषंगाने मतलब वहाँ पे वह गुना दाखिल है धुड़े में और ये सोर्ड जो है वो जालना को लेकर जा रहे थे, उसमें जो भी ऑफेंडर्स हैं सबको अरेस्ट किया गया है और उसकी तहकीकात चालू है। I told you about how many forces are deployed. I told you that 87 companies of SRPF are deployed and 30,000, more than 30,000 home guards are deployed. आप कह रहे हैं कि जनता भरोसा रखे पुलिस पे, लेकिन मैंने आपको जैसा मैंने आपको जैसे बताया है, सीपी औरंगाबाद उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा वो सीपी औरंगाबाद लेंगे और वो सक्षम है और आवश्यक जो कार्रवाई है वो करेंगे। पूरा महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स तैनात है। मैंने बोला है, स्पष्ट आदेश दिए हैं। हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो रेडी मोड में है और जो भी कायदा व व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, मैंने अपना बता दिया और आपके 4-5 क्वेश्चन भी मैंने आंसर किए हैं। अभी लास्ट 1-2 क्वेश्चन में ले लेता हूँ, आप बताइए। और एक आदमी बोले मैंने आपको जैसे बोला है, सीपी औरंगाबाद उसमें तहकीकात करके आवश्यक कार्रवाई आज ही, अगर जो भी होगी कार्रवाई आज ही होगी, वो कर रहे हैं। वो उनसे वो सक्षम है करने के लिए और उनका उसमें जो लीगल प्रोसेस है चालू है। देखो, प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। एग्जैक्ट फिगर कितने तड़ीपार हुए वो सब डिटेल हमारे आईजी लॉ एंड ऑर्डर से आप ले लीजिए बाद में। बाकी जो मैंने आपको बताया पहले कि हमने सब कम्युनिटीज़ की मीटिंग ली है, हर जगह हमने पीस कमेटी, मोहल्ला कमेटी मीटिंग्स ली हैं। हमने लोगों को अपील किया है कि आप शांतता रखें और हर जगह लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। आज का जो ईद का सुबह का जो फेस्टिवल है बड़े शांतते में गया है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ नहीं है और लोगों ने पुलिस के साथ कोऑपरेशन दिया है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। जसं मी सांगितलं आहे की पुढची सभा कुठे घेणार, काय घेणार त्याच्यावर निर्भर आहे। कुठे ते ॲप्लिकेशन देतील त्याच्यानंतर स्थानिक पातळीवर कोणी ॲप्लिकेशन दिल्यानंतर त्याचा तपासण्यात येतो की ॲप्लिकेशनवर परवानगी द्यायची किंवा नाही, त्यावेळी निर्णय घेण्यात येईल। नाव अच्छा, आता नाही आपण मोठ्या प्रमाणात आज आले आणि आपल्याशी माझं संभाषण झालेलं आहे आणि मी मीडियाचा धन्यवाद करतो आणि मीडियाने महाराष्ट्र पोलिसशी सहकार्य करावं ही मी विनंती करतो। आपण पण सहकार्य करा आमचं। सध्याच्या परिस्थितीत ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बातमीच्या सविस्तर माहितीसाठी आपण आपल्या वेबसाईटला भेट द्या। सर्व ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आपण आपला ऍप डाउनलोडिंग करा। रोजच्या बातम्या वाचण्यासाठी आपण आपल्या ई-पेपरला भेट द्या। दैनिक राजस्व आपल्या सगळ्यांना आवाहन करीत आहे की घरी रहा, सुरक्षित रहा।